हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गारिनवाल एचडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप नर्सरी में जाकर किस तरह से पौधे खरीदेंगे, कैसे पौधे खरीदेंगे, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा बनाया हुआ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि आप पौधा कहां से खरीदेंगे। दोस्तों, हमेशा पौधा नर्सरी से ही खरीदिएगा। रास्ते के पास किसी ठेले से या फिर कोई दुकान लगा कर बैठा है तो वहां से मत खरीदिए, क्योंकि वहां पर आपको ठगने का चांस ज़्यादा होता है। आप जब भी किसी नर्सरी से खरीदेंगे, रेपुटेशन नर्सरी होगा, तो वो अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए आपको सही पौधा ही देगा, कोई दूसरा चीज़ नहीं देगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब भी आप पौधे को खरीद रहे हो तो उनके लीफ की तरफ सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ। जब भी आपको दिखाई दे कि कोई सफ़ेद धारी आ गया है, सफ़ेद डॉट आ गया है, कोई पीलापन है या फिर ग्रीन कलर का कोई डॉट से, तो उस तरह के पौधे आप मत खरीदिएगा, क्योंकि वो पहले से ही फंगस लगा हुआ है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, पत्ते हमेशा ऐसा फ्रेश और टाइट होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि नरम पत्ता हो गया हो, पत्ता साइड से झूल गया है, तो ऐसा पौधा आप मत लीजिए। चौथा पॉइंट दोस्तों, पत्तों के साथ साथ आपको डालियों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्ते तो फ्रेश होता है लेकिन डालियों पर फंगस लगा हुआ होता है। डालियों पर दोस्तों सफ़ेद कलर का जो डॉट्स आता है, या फिर ब्लैक कलर का डॉट्स आ गया है, या फिर लीफ की जो जॉइंट्स होता है डालियों के साथ, वहाँ पर भी आपको चेक करना होगा। अगर वहाँ भी किसी तरह किसी कलर का अगर आपको डॉट्स दिखाई दे रहा है तो आप उस तरह के पौधे को मत खरीदिए, क्योंकि वो पौधा भी फंगस लगा हुआ होता है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, आप जब भी किसी पौधे को खरीद रहे हो तो वो पौधा मुरझा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी तरफ हिला हुआ नहीं होना चाहिए। आप एक फ्रेश एक स्ट्रांग पौधे को खरीदिए, जो इस तरह का होगा, जिसका पत्तियां एकदम टाइट होगा, तो इसी तरह का पौधा आप खरीदिए। छठा पॉइंट दोस्तों, जब भी आप कोई पौधे को चूज कर रहे हो तो पहले आप उसे इस तरह से पकड़िए और ऐसे हिलाकर देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जड़ मजबूत है या नहीं। अगर जड़ मजबूत होगा तभी आप इस तरह से पकड़ के उसको उठा सकते हो, नहीं तो ये मिट्टी से निकल आएगा। अगर निकल आता है तो उस तरह के पौधे को आप मत खरीदिएगा दोस्तों। सातवां पॉइंट दोस्तों, आप जब भी कोई पौधा खरीद रहे हैं तो उस पौधे के नीचे की तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर थोड़ा सा जड़ बाहर आ गया है तो कोई बात नहीं, आप उस पौधे को ले लीजिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जड़े अगर नीचे से बाहर आ गया है तो आप उस तरह के पौधे को मत खरीदिएगा, क्योंकि वो पौधे आपको ज़्यादा वक्त नहीं देगा। उसे लाने के बाद फौरन आपको पॉटिंग करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों, वेदर ऐसा नहीं होता है कि हम किसी पौधे को खरीद कर लाने के बाद फौरन उसे अगर पॉटिंग करेंगे तो उस वेदर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा जड़ अगर बाहर निकला हुआ है तो आप उस तरह के पौधे को मत खरीदिएगा। आठवां पॉइंट दोस्तों, आप जब भी पौधा खरीद रहे हैं तो छोटे साइज का पौधा ही खरीदिएगा, ये बेस्ट होता है, क्योंकि आप अपने मनचाहे ढंग से इसको शेप में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए गार्डनवाल एचडी के बाकी वीडियोस। चलता हूँ दोस्तों।